मैजिकल वुडन ट्रैक्टर। ढोलकपुर नामक गांव में दयानंद नाम का ट्रैक्टर ड्राइवर था। वो रोज अपनी मजदूरी के लिए ट्रैक्टर चलाता था। कमाए हुए पैसों से खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन गुजारता था। एक दिन उसका दोस्त सुमन शहर से आता है। उसे देख के दयानंद, भाई सुमन कितने दिन हो गए तुम्हें देख के, कैसे हो, क्या करते हो सिटी में? तुमने बहुत पढ़ाई की, अच्छी नौकरी कमाई और लगता है खुशी से जीवन में सेटल हो गए हो, लेकिन हम लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की, गांव में ही खेती करके और ट्रैक्टर चला के जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक हो भाई, लाखों कमाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगला लिया, लेकिन तुम लोगों को देख के दुख होता है। गांव में रहकर रोजी रोटी के लिए कष्ट सहने वाले तुम लोगों को देख के दुख होता है। तुम लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। इस साल लॉरी के लिए ट्रैक्टर का रेस ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। जीतने वाले को 10 लाख का इनाम मिलेगा। वो कोई भी जीत सकता है, तो तुम्हें मुझसे पैसे लेने में शर्मिंदगी नहीं होगी और तुम लोगों को श्रम करके जीतने की संतुष्टि भी होगी। बढ़िया आइडिया है, कल ही मैं दोस्तों से इस प्रतियोगिता के बारे में बता दूंगा। और सभी को बता दिया। सभी लॉरी के दिन होने वाले प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन दयानंद 2 दिन से लापता था। ये जानकर सुमन, कहाँ गया दयानंद, क्या हुआ होगा? मैंने प्रतियोगिता उसको मदद करने के लिए रखा है, वो मुझसे ऐसे ही पैसे नहीं लेगा, इसीलिए प्रतियोगिता में जिताकर उसे इनाम देना चाहता था। अरे सुमन, तुम्हें पता नहीं क्या, रात को चावल का लोड ले जाते वक्त किसी ढाबे पर खाने के लिए रोक दिया उसने, उसे किसी ने चुरा लिया। उस केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया। चावल के लोड के यजमान ने ये कहकर केस डाला कि दयानंद ने ही चोरी की और वो अभी नौटंकी कर रहा है। अब उस चावल के लोड के पैसे भरने के लिए पंचायत होगा। ट्रैक्टर और चावल का लोड खोने का बहुत दुख है उसे। सुमन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। साई साहब, ये मेरा दोस्त दयानंद है, मैं इसे बहुत सालों से जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है, वो चोरी कभी नहीं करेगा, बहुत ईमानदार है, चाहिए तो वो पैसे मैं भर दूंगा, उसे छोड़ दीजिए। ऐसा ही समझकर ठीक है कहकर दयानंद को सुमन के भरोसे रिहा कर देता है। सुमन दयानंद से, भाई जो होना था हो गया, कल ही ट्रैक्टर की प्रतियोगिता है, तुम उसमें भाग लो, तुम जरूर जीतोगे, जीते हुए पैसों से उस चावल के व्यापारी को पैसे दे देना, तुम भी नया ट्रैक्टर खरीद सकते हो। तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में मिलूंगा कहकर जंगल में टहलते वक्त एक बाबा दिखते हैं। दयानंद को बहुत परेशान देखकर बाबा, बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तब दयानंद अपनी कहानी बताता है। कल ट्रैक्टर प्रतियोगिता है बाबा, ट्रैक्टर और चावल का लोड चोरी हो गए, मुझे जेल में डाल दिया, उससे मेरी मर्यादा भी गई, क्यों जीऊं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, ये लो मैजिकल वुडन ट्रैक्टर, इसके सहारे प्रतियोगिता में भाग लो, अवश्य तुम्हारी जीत होगी, तकदीर तुम्हारा सहारा देगा। कहने पर बाबा के दिए हुए वुडन ट्रैक्टर को लेकर प्रतियोगिता में भाग लेता है। सुमन दयानंद के ना होने के कारण प्रतियोगिता को कैंसिल करने ही वाला था, लेकिन उसे देखते ही, ओए दयानंद आ गया, प्रतियोगिता शुरू करो। दयानंद को ना पसंद करने वाला दुष्यंत, क्या रे, इस प्रतियोगिता में भाग लेना जरूरी है क्या? किस्मत तो बहुत खराब है तुम्हारी, ऊपर से इस वुडन ट्रैक्टर के सहारे मुकाबले करके हाथ पैर क्यों तोड़वाना चाहते हो? अपाहिज बनोगे तो बेसहारा हो जाओगे, खबरदार कहकर चेतावनी देता है। लेकिन दयानंद बाबा के दिए हुए साहस से उस मैजिकल वुडन ट्रैक्टर के सहारे मुकाबला करता है। रेस शुरू होता है, दयानंद सबसे आगे रहता है। लेकिन दुष्यंत वुडन ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर से पीछे धड़ दे मारता है, लेकिन वो बिना टूटे ऐसे ही तेजी से जाकर प्रतियोगिता जीत जाता है। वाह, दयानंद जीत गया। इस साल के लोली ट्रैक्टर प्रतियोगिता को मैजिकल वुडन ट्रैक्टर के सहारे जीतने वाले दयानंद को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है कहकर उस प्राइज मनी को उसे देता है। दयानंद उन पैसों से चावल के व्यापारी को पैसे वापस करता है और नया ट्रैक्टर खरीद के खुशी से अपना जीवन बिताता है। एक गांव में खिचड़ू नाम का कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। वो कॉलेज बंक मारकर शराब पीकर कुछ लोगों के साथ जुआ खेलते खेलते एक आवारा बन गया था।
एक दिन वो जुआ खेलने के लिए अपने दोस्त संपत से, रे संपत, मुझे 10,000 रुपए चाहिए दो ना मंथली एक्सपेंसेस के लिए, जो मेरे पिताजी भेजेंगे अगले महीने उसमें से मैं तुम्हें लौटा दूंगा, और समय सही चल रहा है तो आज ही जुए में 1,00,000 जीतूंगा, तब मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, प्लीज दो ना रे, जुआ खेलने देर हो रही है। रे किचड़ू, तुम जो कॉलेज बंक करके ऐसा जुआ खेल रहे हो बहुत बुरी बात है, और उसके लिए पैसे देकर मैं बुरा नहीं बनूंगा, मैं नहीं दूंगा। जुआ की बात है, पहले बॉडी को सही करने के लिए दारू के तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? यूं सोच रहा था तो वहाँ कुछ स्कूल के बच्चे साइकिल पर जाते हुए नजर आए, वो देखकर खिचड़ू, हाँ उन स्कूल के बच्चों के पास जो पॉकेट मनी है उसे चुरा लेना चाहिए, तब दारू की तो समस्या पूरी हो जाएगी। यूं मन में सोचकर उन बच्चों से, रे तुम लोग अपने में साइकिल कितना चलाओगे, वहाँ से यहाँ चलाओगे तो क्या मजा आएगा, तुम बड़ों के साथ साइकिल रेस जब जीत जाओगे तब समझेंगे कि तुम में से असली हीरो कौन है। तब उन बच्चों में से एक धनवीर बाकी के बच्चों से, हाँ यार जो भैया बोल रहे वो सही है, हम लोग भैया के साथ साइकिल रेस रख कर देखते हैं कि हम में से हीरो कौन है। और फिर खिचड़ू से, भैया आप हमसे बड़े हो ना, इसीलिए आपके साथ हम रेस के लिए आते हैं, अब तैयार हो? हाँ मुझे बिना बेटिंग के रेस हो तो नहीं जनता है, पैसे डालकर खेलोगे तो ही मैं आऊंगा, हमें जो भी जीतेगा बाकी के लोग एक एक करके उसे 100-100 रुपए देना होगा, वैसे हो तो ही मैं आऊंगा। ओके कहकर साइकिल रेस के लिए तैयार हुए, खिचड़ू एक साइकिल लेकर बच्चों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। खिचड़ू ही जीता, सबने 100-100 रुपए दिया खिचड़ू वो पैसे लेकर। हे भगवान, आज दारू की समस्या तो दूर हो गई, सोचकर वहाँ से चला गया। इस तरह हर दिन बच्चों को भड़काकर रेस लगाकर उनसे पैसे ले रहे खिचड़ू से संपत। हे छोटे बच्चों के साथ रेस खेलोगे तो तुम ही जीतोगे ना रे, कितना चीप बिहेव कर रहे हो कि वो बेचारे बच्चों के पैसे यूं बर्बाद करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं डाटा, रे क्या हो तुम, जुआ नहीं खेलने देते तो ठीक है समझ जाता हूँ कि वो बुरी बात है, लेकिन साइकिल रेस खेलने पर भी डांट रहे हो, छी इस देश में प्लेयर्स के लिए कोई एनकरेजमेंट ही नहीं है, कहते हुए चला गया। इसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, सोचकर अगले दिन उन बच्चों के पास आकर, रे तुम लोगों के पैसों को बर्बाद करने के लिए वो किचड़ू हर दिन आकर यू तुम लोगों को रेस के लिए भड़का रहा है और धोखा दे रहा है, तुम्हारे उम्र और एनर्जी लेवल के हिसाब से तुम उससे कभी जीत नहीं पाओगे, इसीलिए हर दिन की तरह फास्ट साइकिल रेस नहीं बल्कि स्लो साइकिल रेस रखो, उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छी तरह पता है, कहकर हर दिन जो साइकिल खिचड़ू चलाता है उसके आगे 2 रॉकेट फटाके लगा दिया। कुछ देर बाद खिचड़ू आकर, रे बच्चों रेस के लिए मैं तैयार हूँ, तुम लोग तैयार हो क्या? तब बच्चों में से एक धनवीर, भैया हर दिन फास्ट साइकिल रेस खेलकर बोर हो गए भैया, आज स्लो साइकिल रेस खेलते हैं ना, और मुख्य बात यह है कि जब हम लोग स्लो साइकिलिंग करते हुए जमीन पर बिना पैर लगाए साइकिल आगे जाती रहेगी ना, तब संपत भैया हमारे बगल में ही फटाके छोड़ते रहेंगे, बिना उससे डरे पैर बिना नीचे रखे साइकिल चलाना होगा, इसमें जो जीतेंगे वही असली हीरो है, आज बेट मनी भी हर दिन से डबल अमाउंट है, रेडी हो भैया? संपत को देखकर खिचड़ू, ये संपत कहीं का, मेरी लिकर सोर्स का नाश करने आया है लगता है, लेकिन वैसे भी छोटे छोटे बच्चों के बीच वो बड़े बड़े फटाके फोड़ने के लिए मेरे जैसा कमीना तोड़े ही है, मुझे कैसा डर, मैं फटाका साइकिल रेस के लिए तैयार हूँ। खिचड़ू को रॉकेट लगाया हुआ साइकिल दिए, संपत ने झंडा हिलाया, खिचड़ू के साथ बाकी के बच्चे भी साइकिल धीरे से बिना पैर नीचे रखे चलाने की कोशिश कर रहे थे, रेस बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था, तो संपत छोटे वाले फटाके छोटे बच्चों के साइकिल से थोड़ी दूर फेंका, वो देखकर खिचड़ू साइकिल स्लो चलाते हुए, अरे पागल संपत, तुम जो फटाके फेंक रहे हो तो उनसे तो वो बच्चे तक नहीं डर रहे हैं, तो मैं क्या खाक डरूंगा। संपत तब खिचड़ू के साइकिल के ऊपर एक फटाका फेंका, उस फटाके से चिंगारी लगकर खिचड़ू के साइकिल पर मौजूद रॉकेट को लगी और खिचड़ू के साइकिल को तेजी से आगे ले जा रही थी। अरे ये क्या, मेरी साइकिल तो असली वाली रॉकेट की तरह चले जा रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यूं चिल्लाते हुए अपनी साइकिल से स्पीड जाकर एक दीवार को टक्कर मार दिया। अरे मेरे हाथ पैर टूट गए रे, वे संपत मुझे अकल आ गई है,
अब से मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। मेरी खराब आदतें छोड़कर कॉलेज आकर पढ़ाई करूंगा। अस्पताल ले जाकर मेरी जान बचाओ ना। तब संपत खिचड़ू के जेब से पैसे निकालकर बच्चों को देकर, देखो बच्चों, उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती तुम्हारे भविष्य को गलत दिशा में ले जा सकती है। अब से अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलिए। बेटिंग लगाकर खेलना बुरी आदत है, जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। बी केयरफुल। ओके संपत भैया, थैंक यू वेरी मच।